नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। आज हम बहुत ही अहम चीज़ के बारे में जानने वाले हैं, जैसे कि हम NDE के केसेस के बारे में इस भाग में जानते हैं। ये हमारा 11वां भाग है और सच में मतलब आज एक ऐसी केस है हमारे सामने कि जिसके बारे में हम क्या बोले आपको, कि ऐसे कुछ अनुभव हमारे सामने आते हैं कि हम उसे कभी भी नहीं भुला सकते। और वैसी चीज़ों का सामना करके हमें बहुत सारी चीज़ों का ऐसे पता चलता है जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा था। और एक ऐसी चीज़ है जो ही सच है इस दुनिया में और जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें जानना। तो ऐसा ही हुआ एक वाकया अनीता मुरजानी नाम की एक लड़की थी उसके साथ। और क्या बोलूँ मैं आपको, वो एक भारतीय मूल की ही थी लेकिन वो ज़्यादा उसका संबंध भारत से नहीं है। उसके मतलब माता पिता बाहर ही जाकर रहे और इसका जो जन्म है वो सिंगापुर में हुआ था। और ये अपने पति के साथ, इसका जन्म सिंगापुर में हुआ था। मैं सच कहता हूँ कि अगर आप ये किताब पढ़ेंगे तो उसने इस किताब में बहुत ही ज़्यादा अपने बारे में उन्होंने बात बहुत बताई है कि उस तरह उन्होंने कहाँ से मतलब वो पली बड़ी और किस तरह से मतलब वो ज़िंदगी जीती थी। लेकिन उनके पर्सनल जो जीवन है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करके मतलब क्या करेंगे। मैं आपको उसका NDE का अनुभव ही और वो जो भी सीखी चीज़ें उसके बारे में ही बात करने की कोशिश करूँगा आपके साथ। तो वो फ़िलहाल मतलब उसके बाद वो अपने पिताजी के साथ रहती थी और उसके बाद उसकी शादी हो गई और शादी के बाद वो अपने पति के साथ, उसके पति का नाम है डैनी, तो वो हांगकांग में रहती थी। अनीता मुरजानी का जो जन्म है, मुरजानी जी का जो जन्म है वो 16 मार्च 1959 को हुआ था और वो अपने पति के साथ हांगकांग में रहती थी और एक ठीक ठाक मतलब ज़िंदगी जीती थी। कोई बड़ी वाकिया वगैरह कोई बड़ी तो मतलब ऐसी चीज़ नहीं, नॉर्मल ज़िंदगी हमारा आप किस तरह से जीते हैं वैसे ही जीती थी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि एक ज़िंदगी मतलब आगे आगे बढ़ती है तो वैसे भी उसकी बढ़ती गई आगे आगे। और तकरीबन 1998 और 99 इस बीच में क्या हुआ कि उसकी एक बहुत ही करीबी दोस्त थी जिसका नाम सोनी था और इसको मतलब अनीता जी को यह पता चला कि उसको कैंसर हुआ है और उसकी हालत धीरे धीरे बिगड़ती गई इसकी दोस्त की और वो एक दिन इस दुनिया से चली गई। और क्या हुआ कि इसको बहुत ही बुरा लगा क्योंकि एक बहुत ही करीबी थी वो उसके और मरते दम को वो उसके साथ थी और धीरे धीरे मतलब वो अपने आप को संभाल रही थी। लेकिन धीरे धीरे साल भी बीत गए, एक साल गए, दो साल गए और दो ढाई साल जाने के बाद क्या हुआ कि इसके जो शोल्डर होता है हमारा राइट शोल्डर उसके ऊपर एक गांठ उसको लगी और जब इसको मतलब लगा कि बहुत ही ज़्यादा है और मुझे दिखाना चाहिए डॉक्टर को, तो वो दिखाने के लिए गई और डॉक्टर ने अपने हिसाब से मतलब कुछ चीज़ें की और उसने कहा कि टेस्ट के लिए वगैरह कुछ करना पड़ेगा। और जब टेस्ट किया गया और उसकी जब रिपोर्ट मिली तो मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, ऐसी जो पल होते हैं वो किसी के ज़िंदगी में मत ना आए। तो अनीता जी ने यही कहा कि अनीता जी ने एक बात कही है पहले भी उस किताब में कि उसको भी बहुत ही डर लगता था कैंसर से, या फिर वो इस तरह से देखती थी कि जिसे कैंसर नहीं होता वो बहुत ही खुशनसीब लोग है वगैरह, इस तरह से उसके विचार बन गए थे। और मैं सच कहता हूँ कि ये कोई अलग बात नहीं हुई क्योंकि क्या होता है कि हम अगर उस माहौल में हों तो हमें उस मतलब उस सारी चीज़ों को हम नहीं देख पाते। कोई अगर मतलब समझो कि कोई ठीक से चल नहीं पा रहा हो या फिर अपंग हो तो हो, हैंडीकैप हो, तो ऐसे लोगों को लग सकता है कि जो अच्छे चल रहे हैं वो बहुत ही मतलब खुशनसीब इंसान है। तो ऐसा इंसान का दिमाग या फिर मेंटेलिटी हो सकती है, मानसिकता। तो वैसा ही अनीता जी ने कहा था। और क्या हुआ कि 2002 को उसने मतलब रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट की थी और रिपोर्ट ऐसी आई कि उसको कैंसर है। उस कैंसर का नाम उन्होंने कहा है कि लिम्फोटेक ऐसा कुछ का कैंसर है, लिम्फोमेटिक ऐसा कुछ कैंसर का नाम है। क्या हुआ था कि ऐसे वक्त में उसे पूरी तरह से मतलब उस पर कई उसने कहा है कि बिजली गिरने की तरह मुझे लगा, लेकिन मैं क्या करूं, जो भी है उन्हें स्वीकार नहीं होगा। और उसके पति को बहुत ही शॉक लगा। पति सचमुच मतलब ऐसा पति, मतलब क्या मैं बोलूं, उसने पति ने अब इसके लिए इतना कुछ किया है कि हम कह नहीं सकते। डैनी ने सचमुच मतलब ऐसा पति मतलब बहुत ही कम लोगों को मैं ऐसा आपके मतलब बहुत ही अच्छे होंगे, लेकिन मतलब इतना मतलब मैंने देखा नहीं कभी, ये सारी चीज़ों के मुझे एक्सपीरियंस भी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही मतलब बहुत ही अच्छा पति था, पति है उनका। और उसने भी बहुत किया उनके लिए, बहुत ही ज़्यादा मतलब सच कहता हूँ, क्योंकि जब वो उसने आगे बात बताई है वो आएगी, मैं उसी वक्त आपको बता देता हूँ। तो अनीता जी यही कहती है कि धीरे धीरे उनकी हालत बाद में बिगड़ने लगी, वो दवाई वगैरह ले रही थी, उसके बाद वो भारत में भी आई थी। उसका भारत का ऐसे साथ मतलब
जन्म तो मतलब मूल की वो भारत की थी, लेकिन रहती थी नहीं यहाँ पे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो भारत में भी आई। उसका जो भाई था अनीता जी का, वो पुणे में रहता है, महाराष्ट्र में जो पुणे है वहाँ पे, और उसका नाम अनूप है। तो अनीता जी यही कहती है कि वो पुणे में आई और ऐसे मतलब उसने यही देखा कि यहाँ पे आध्यात्मिक या फिर आयुर्वेदिक चीज़ों से कुछ हो सकता है क्या। तो वैसी चीज़ें भी उसने यहाँ पे की और उसकी मतलब हालत भी धीरे धीरे सुधरने लगी थी। लेकिन क्या बोले मैं आपको, मतलब कुछ चीज़ें मतलब कभी भी ठीक नहीं हो सकती, तो वैसा ही हुआ उसके साथ। तो वो फिर से जब हांगकांग गई तो फिर से मतलब परेशानियाँ शुरू हो गई और उसके बाद वो धीरे धीरे मतलब उसकी हालत बिगड़ती गई। और 2002 साल था और उसकी पूरी तरह मतलब धीरे धीरे कंडीशन इतनी मतलब बिगड़ती गई कि क्या बोलूँ मैं आपको। और एक दिन ऐसा आया कि उसके पति को मतलब अब वो चल भी नहीं पा रही, सांस नहीं ले पा रही ठीक से, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। और पूरी तरह उसका मतलब टेस्ट या फिर उसका एडमिट किया गया। उसके बाद जो भी बात मतलब जो इलाज वगैरह शुरू होता है तो उन्होंने किया। तो ऐसा चल रहा था अनीता जी के साथ। और उसकी मतलब घर पे भी सारी चीज़ें पता चली कि इसे इस तरह से पूरी तरह हालत उसकी बिगड़ी है। तो वो भी अपने मतलब या हांगकांग में आ रहे थे और अनीता ने कहा कि बहुत ही मतलब मैं क्या कहूँ आपको, उसने यही कहा है कि मैं मतलब सोच ही नहीं सकती थी कि क्या हो रहा है। और धीरे धीरे अनीता ने कहा कि वो ऐसे मतलब एक दुनिया में उसका मतलब कहते हैं ना सोकर उठी, हम कहते हैं ना उठी, ऐसे दुनिया में वो सोकर उठी कि उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो उसने एक उसको जो अनुभव हुआ है तो ये मैं आपको बयां कर देता हूँ। वो क्या कहती है कि वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी। मतलब जिस तरह से आपको एक उदाहरण दे तो आपको खुद पता चल सकता है कि हनुमान जी जिस तरह से छोटे होते हैं और जिस तरह से कोई बड़ा मतलब समुद्र लांघन वगैरह जाना है तो वो बड़े से जैसे रूप लेते हैं, तो धीरे धीरे आप समझ सकते हैं ना जैसे बड़े होते हैं ना हनुमान जी, तो उस तरह से वो बड़ी होती गई, ऐसे उसने कहा है। लेकिन उसने देखा कि अब उसका शरीर नीचे ही था। और अनीता जी एक बात मुझे बहुत ही अजीब लग रही है और आपको भी लग सकती है कि उसने ये कहा कि जो मेरा शरीर था, आप सोच सकते हैं कि शरीर हमारा सब कुछ होता है जब हम पृथ्वी पर होते हैं, लेकिन उसने कहा कि जब वो थोड़ी थोड़े खुद को बड़ा होती है वो ये महसूस कर रही थी तो उसको अपने शरीर का मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था। वो मतलब एक कहते ना कि कुत्ता जाने चमड़ा जाने, वो मरने दो शरीर का मुझे क्या करना, इस तरह से उसने विचार किए थे और उस तरह से उसके विचार बन गए थे। अनीता जी कहती है कि जब वो अपने शरीर से जिस तरह से बाहर जब आई तो उसके विचार पूरी तरह बदल गए, इतने बदल गए कि हम सोच भी नहीं सकते। मैंने आपको पहली भी एक वीडियो में कहा था कि कुछ ऐसी आत्मा मतलब पृथ्वी पर बहुत सारी चीज़ें हमें बुरी लगती है, लेकिन आत्मलोक में जाकर हम यही सोचते हैं कि मुझे इतना बुरा क्यों लगा। तो जो बुराई है या फिर नाइंसाफी है उसको देखकर तो बुरा लगना ही चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारे हम इतना बड़ा टेंशन लेके बैठते हैं कि उसका कोई ज़रूरत नहीं होती। तो अनीता जी यही कहते हैं कि मेरे विचार पूरी तरह बदल गए थे। और अनीता जी की एक बात मैंने बहुत ही पहले कही थी, आपने शायद देखी नहीं होगी वो या फिर देखी होगी मुझे नहीं पता, एक वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि दुनिया में सच क्या है इसका अगर देखा जाए तो हम समझो एक अंधेरे खुली में है, अंधेरे रूम में है जहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा। और ऐसा एक रूम है, ऐसा एक घर है वो जहाँ पे हम पहले कभी भी नहीं गए, तो हम क्या करेंगे, पूरा अंधेरा मतलब एक रोशनी की चमक भी नहीं, एक भी किरण नहीं। तो ऐसे वक्त में हमें वहाँ पे क्या करेंगे, तो हम वहाँ पे चल तो नहीं सकते क्योंकि चलते समय कहीं गिर गए तो, क्योंकि कहाँ पे क्या कौन सी चीज़ रखी हमें नहीं पता। और हम क्या कर रहे हैं कि एक एक चीज़ को हाथ लगा रहे हैं और हम समझ पा रहे हैं कि समझो मैंने कोई मतलब कुर्सी है तो कुर्सी को हाथ लगाए और समझ रहा हाँ मैं ये कुर्सी है। और इस तरह से उन्होंने हमने पूरे मतलब एक कहते हैं ना रूम का जायज़ा किया कि ये यहाँ पे चीज़ हो सकती है, ये टीवी हो सकता है, ये कोई कबाट हो सकता है। लेकिन उसने कहा है कि एक वक्त ऐसा आया समझो कि जहाँ पे किसी ने इलेक्ट्रिसिटी चालू कर दी, मतलब एक लाइट चालू कर दी, बल्ब चालू कर दिया, तो हमारे सामने डायरेक्टली मतलब सारी चीज़ें सच निकल के आएंगी। मतलब अरे मैं तो एक से कुर्सी समझ रहा था लेकिन ये तो टेबल निकला, मैं इसे कबाट समझ रहा था लेकिन ये तो कोई चप्पल रखने का कबाट निकला। तो इस तरह से मतलब चीज़ें क्यों, ये सारी चीज़ें हमें पता चली क्योंकि रोशनी हुई या फिर ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से अनीता जी ने कहा है कि जब आपको ज्ञान प्राप्त होता है ना, तो हम जब इंसान के रूप में होते हैं तो हम इस तरह से टटोलते रहते हैं कि ये ऐसा होगा या फिर भगवान ऐसा होगा, लेकिन जब कोई लाइट चालू कर दे, जब रोशनी हो, जब प्रकाश हो, जब सूरज निकले, तब की सारी चीज़ें हमारे सामने इस तरह से क्लियर बन जाते हैं कि हम उन्हें झुकला नहीं सकते। तो इस तरह से अनीता जी ने बात कही थी। इस बात बहुत ही महत्वपूर्ण मुझे लगती है क्योंकि आजकल भगवान के नाम पे क्या क्या हो रहा है आप देख सकते हैं। और
ये आज ही हो रहा है ऐसा नहीं है। पृथ्वी का मतलब इतिहास अगर देखे धर्म धर्म के रूप से तो ऐसा ही है, क्या बोले हम आपको इसको। तो बाद में क्या होता है कि अनीता जी ने कहा कि वो थोड़ा थोड़ा अपने आप को बड़ा महसूस होने कर रही थी, और उसके बाद वो ये कहती है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और उसके विचार पूरी तरह बदल रहे थे। और उसने एक बात कही कि एक बहुत ही अद्भुत बात, मुझे लगता है कि रामकृष्ण मिशन या फिर हरे कृष्ण हरे ऐसा कुछ, ऐसे जो लोग मतलब जो प्रवचन वगैरह देते हैं उनके लोग जो होते हैं, तो उन्होंने भगवद गीता के बारे में कहते हुए एक बात कही थी, मुझे अभी भी अभी याद आ रही है वो, कि भूत और भविष्य और वर्तमान ये सारी तीनों चीज़ें हमें एक ही वक्त पे जब हम आत्मलोक में होते हैं वहाँ पे हम भूत भविष्य और वर्तमान इसे एक ही रूप में देख सकते हैं। तो भगवद गीता अगर आप पढ़ेंगे तो भी आपको पता चल सकता है कि अर्जुन को भी कुछ ऐसा ही लग रहा था कि बहुत सारे आत्माएं या फिर इंसान जन्म ले रहे हैं, बहुत सारे जी रहे और मर भी रहे, तो एक ही साथ ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो उस तरह से अनीता जी कहते हैं कि भूत भविष्य और वर्तमान उसे एक ही वक्त दिखाई दे रहा था, बहुत ही अद्भुत पल था ये। और अनीता जी एक कह रही थी बात कि पृथ्वी पर हम बहुत ही डरे डरे होते हैं, मतलब बहुत ही डरे सहमे में कुछ बुरा नहीं ना होगा, या फिर आज का दिन कैसा जाएगा, कल का क्या होगा, हमारे सामने जो परेशानी है EMI कैसे भरे, या फिर लोगों के पैसे कैसे दे, या फिर समझो किसी की अच्छी परिस्थिति है तो उसको ये टेंशन होता है कि मेरे पैसे रोक कब दे, तो आप समझ सकते हैं। तो टेंशन के हमें टेंशन और दूसरी ज़िंदगी, इसका नाम तो मतलब कहते हैं ना कि ज़िंदगी का दूसरा नाम टेंशन ही है, तो इसी तरह से बातें है ये। तो क्या होता है, अनीता जी ये कहती है कि उसको जब वो मतलब ऊपर गई अपने शरीर से, या फिर जब वो बड़ी महसूस कर रही थी बड़ा होना, तो उसने एक बात कही कि उसे टेंशन ज़रा भी नहीं था, मतलब उसको खुद ही मतलब एक चिंता आ रही थी कि मुझे टेंशन क्यों नहीं, आप समझ सकते। तो मतलब आजकल मैं देखता हूँ कि कभी कभी आपने भी देखा होगा कि कुछ लोग टेंशन में ही नहीं होते ऐसे, मतलब जो हमारे सामने सिचुएशन है उससे कभी कभी उससे बुरे भी सिचुएशन उनके सामने होती है, लेकिन फिर भी वो टेंशन में नहीं होते और वो ये कहते हैं कि तुम क्यों इतने मतलब टेंशन ले रहे हो। तो ऐसा अनीता मुरजानी जी ये कहती है कि उसको ज़रा भी टेंशन नहीं थी इस बात की कि मैं कहाँ हूँ कहाँ जाऊँगी, लेकिन उसका ये पता था कि कोई चीज़ है जो उसके मतलब एक कोई ऐसी चीज़ है जिसके कंट्रोल में ये सारी चीज़ें हो रही है। तो ये सब बात महत्वपूर्ण है। मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि आप अकेले नहीं हैं, मैंने पहले भी कहा, बहुत बार कहा, आज भी मतलब इन सारी चीज़ों को देखकर यही लगता है। और अनीता मुरजानी ये कहती है कि उसे यह सब लग रहा था कि ये सारी चीज़ें किसी के कंट्रोल में हैं, और उसने यही कहा अनीता मुरजानी जी ने कि ये सारी चीज़ें जो हो रही है या फिर मेरी ज़िंदगी में हुई थी, वो सारी चीज़ें किसी कहते ना कि किसी वजह से हो रही थी या फिर किसका कुछ कोई मतलब कारण था और उस वजह से वो हो रही थी। और उसने यही कहा कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा हुआ वगैरह ऐसे मेरे विचार ही नहीं थे, ऐसे वक्त में मेरे ये विचार थे कि मतलब मैं किस तरह से जीऊँ। और अनीता मुरजानी और एक बात महत्वपूर्ण मुझे ये लगी उनकी की, और वो ये कहती है कि कभी कभी हम ज़िंदगी में खुद को मतलब मेरे जैसे लोग भी है कि कभी कभी हम क्या होता है हमारे साथ कि मेरा एक सिर्फ उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों के साथ ऐसा होगा कि हम कुछ करने जाते हैं तो उल्टा ही होता है, या फिर जो करने जाते हैं तो वो उसमें हमें नुकसान पड़ता है। और मेरा भी ऐसा खुद का ऐसा मतलब एक साल हो गया, 1.5 साल हो गया उस चीज़ को, तो ऐसा मेरा नुकसान हुआ कि मैं उसे मतलब फिर डायरेक्टली उभर नहीं पाया, और उससे मतलब इतना ही उभर नहीं पाया कि उसके लिए जो मैंने पैसे लिए थे अपने भाई से, तो वह अभी भी मैं चुका नहीं पा रहा, बहुत ही ज़्यादा अभी भी बाकी है। तो कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, मैं सच कहता हूँ, मुझे किसी से भी कुछ भी आशा नहीं है, सिर्फ मैं अपना काम करने रहना चाहता हूँ, और जो देना है वो भगवान तो देगा ही और मेरे दिल में तो है। तो मैं सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ कि क्या होता है कभी कभी कि इस तरह से अगर दुख हो या फिर हम कुछ करने जाए सब कुछ उल्टा पुल्टा हो, सब कुछ नेगेटिव हो, असल में अच्छा कुछ भी नहीं हो, या फिर मैं तो बहुत बार ये कहता हूँ कि भगवान मुझे मतलब सुख ना दे लेकिन दुख तो कम से कम मत दे, तो क्या होता है कि हम इस तरह से जब जीते हैं तो क्या होता है कि हम पूरी तरह निगेटिव बन जाते हैं, या फिर मुझे तो बहुत बार ऐसा भी लगता है कि एक गधे की भी कुछ औकात होगी लेकिन मेरी कुछ औकात नहीं। तो इस तरह से अनीता मुरजानी ये कहती है कि कभी भी खुद को कम ना समझे, क्योंकि हम असल में कौन है, जब हमें पता चलता है तो हमें लगता है कि अरे मैं तो बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, या फिर मैं अच्छे पोजिशन पर हूँ, मैं क्यों दुख करूँ। तो इस तरह से वो कहती है कि हमें खुद को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए।
अनीता मुरजानी बाद में यही कहती है कि जब वो उस मतलब अपने शरीर से जब बाहर निकली थी तब उसे पूरी तरह मुक्त लग रहा था, मतलब अब तक जीवन में जितना भी मतलब उसे मुक्त नहीं लग रहा था उतना उसे मुक्त लग रहा था। और वो यही कहती है कि उसे किसी भी मदद के बिना वो मतलब पूरी तरह से मुक्त एहसास उसको हो रहा था। तो आप ये समझ सकते हैं अनीता मुरजानी भी यही कहती है कि क्या हुआ था कि पिछले एक दो सालों में वो कैंसर से पीड़ित थी और इसकी वजह से उसको बहुत ही ज़्यादा मतलब दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और दूसरों की मदद की ज़रूरत थी, लेकिन अब उसे वैसी ज़रूरत नहीं थी। और वो कहती है कि बहुत ही मतलब खुला आसमान में जैसे तैर रही है वैसा लग रहा था। वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से मतलब फियरलेस जिसे कहते हैं कि मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं लग रहा और बेडर जैसे मतलब उसे लग रहा था और वो बहुत ही खुश थी। वो यही समझ रही थी कि मैं मतलब इस तरह से उसने ये भी कहा है कि मैं मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों सारी चीज़ों का डर नहीं लग रहा, क्योंकि हम पृथ्वी पर जब होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमें डर लगता है, लेकिन उस दुनिया में उसे किसी भी चीज़ का डर नहीं लग रहा था। और वो यही कहती थी कि उसे एक चीज़ मुझे भगवद्गीता में भगवद्गीता के बारे में एक प्रवचन दे रहे थे, एक मुझे लगता है कि रामकृष्ण मिशन के एक साधु थे, तो उन्होंने यही कहा था भगवद्गीता के प्रवचन में कि असल में वो जो दुनिया है, मैंने मतलब उनके ही मुझे ये पहली बार सुना था इसलिए हमसे कह रहा हूँ। उन्होंने ये कहा था कि क्या है कि जब हम उस दुनिया में जाते हैं मतलब आत्मलोक में या फिर आत्मा के स्तर पर जब होते हैं तब हम वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल इन तीनों को एक ही चीज़ में देख सकते हैं। मतलब आपसे कोई चीज़ हो गई है भविष्य भूतकाल में तो उसे आप उसी वक्त देख सकते हैं और वर्तमान भी उसी वक्त देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, तो ये हमें तो मतलब हम उसे ठीक तरह से नहीं समझ पाएंगे क्योंकि हम फिलहाल जो पृथ्वी पर है तो एक वक्त में एक ही चीज़ हम प्राप्त कर सकते हैं, या फिर हमारे जो कहते हैं ना कि 3D डायमेंशन ही है, 4D डायमेंशन हमारा नहीं है इसलिए हम 4D में नहीं देख सकते, लेकिन वहाँ उस दुनिया में वैसा नहीं है, हम चारों दिशाओं में एक ही तरह से मतलब देख सकते हैं। और अनीता मुरजानी ये कहती है कि जब ये सारी बातें मतलब वो बहुत ही सीरियस है और कोमा में गई है, ये बात जब उसके भाई को पता चली अनूप को, वो अनूप पुणे में रहता है भारत में, तो उसने यही कहा कि वो जब बहुत ही जल्दबाजी में हांगकांग आने की कोशिश कर रहा था तो वो भी उसे दिखाई दे रहा है उसी वक्त। आप समझ सकते हैं ये बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब वो है कहा हांगकांग में और ये आ रहा है पुणे से, फिर भी उसे वो दिख रहा था, न सिर्फ दिख रहा था उसे अनीता जी को, तो वो ये भी कहती है कि उसके दिल में मेरे लिए जो प्यार है या फिर उसकी जो तड़प है जल्दी से जल्दी मैं अनीता के पास जाऊँ उसे देखूँ, इन सारी चीज़ों को भी वो महसूस कर रही थी। और सिर्फ अनूप का ही नहीं, वो लोगों को भी मतलब जो उसको लोग दिख रहे हैं और जो उसके करीब है तो उनके भी दिल में अनीता के लिए कितनी बड़ी जगह है वो भी वो कह रही है। और वो यही कह रही है कि मुझे सारी चीज़ें एक ही साथ महसूस हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या करूँ, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं इन सारी चीज़ों को मतलब समझ ही नहीं पा रही थी या फिर इनको ठीक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी या फिर आकलन नहीं कर पा रही थी, ऐसा नहीं कहती। वो कहती है कि मुझे इन सारी चीज़ों को ठीक तरह से मतलब पता था कि किस तरह से मुझे अपना स्वभाव मतलब किस तरह से मुझे बर्ताव करना चाहिए, ये भी सारी चीज़ें उसे पता थी उस वक्त। और इन सारों के बीच एक सबसे बड़ी चीज़ हुई और बहुत ही अद्भुत चीज़ है, मैं इसे कहूँगा कि अनीता जी यही कहती है कि उनको ऐसे वक्त में क्या हुआ कि उन्हें एक चीज़ महसूस हुई, और वो महसूस क्या हुआ कि उसके पिताजी जो उसके मतलब तीन चार साल पहले जो जा चुके हैं, मुझे लगता है कि 5-6 साल पहले जा चुके हैं, वो उसको उनका अस्तित्व उसे दिखा। और ऐसे वक्त में क्या होता है कि अगर ऐसा मतलब पृथ्वी पर ऐसे हमारे साथ हुआ कि जो हमारे गए लोग हैं वो उनका अस्तित्व हमें थोड़ा सा महसूस हुआ तो हम डर जाएंगे, हम मतलब हमें नहीं पता चलेगा कि हम किस तरह से इन सारी चीज़ों पर रिएक्ट हो। लेकिन आत्मलोक में क्या होता है कि अनीता मुरजानी में आपसे एक क्लियर कहता हूँ कि वो आत्मलोक में पूरी तरह से नहीं गई थी, वो बस अपने शरीर से बाहर आई थी। आत्मलोक अलग है जहाँ पे आत्माएं रहती है, लेकिन ये जो स्थान है जहाँ पे वो गई थी वो ये कहते हैं ना कि एक मार्ग है या फिर एक रास्ता है जहाँ पे उसके पिताजी उसको मिलने आए थे। तो वो यही कहती है कि उसके पिताजी का अस्तित्व उसे मिल गया, उसे दिख रहे थे वो अपने पिताजी। और अनीता जी ने यही कहा कि आप कैसे पिताजी, मैंने आपको मतलब बहुत याद किया। और अनीता जी ये कहती है कि ये जो मैंने कहा था वो कोई शब्द नहीं थे, सिर्फ एक कहते हैं ना कि एक ऊर्जा का स्रोत मेरे दिल से उनके ऊपर गया। तो ये बात आपको जानने के लिए ज़्यादा मतलब कष्ट तो नहीं करने पड़ेंगे अगर आप इस चैनल को फॉलो करते हैं तो, क्योंकि मैंने बहुत NDE के बहुत सेशन में इन सारी बातों को बताया। और इस जो वार्तालाप या फिर इस संभाषण को कहते हैं टेलीपैथी, मतलब आप मतलब विचार से एक दूसरे से बात करते हैं ना कि शब्दों से। तो उसके पिताजी ने जो जवाब दिया वो बहुत ही मतलब बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। तो उनके पिताजी ने ये कहा कि
मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ था और हमेशा ही रहूँगा, और मैं पहले से तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारे बहुत ही करीब था। तो ये सारी चीज़ बहुत ही अजीब लगी अनीता जी को। और उसके बाद वो कहती है कि मैंने आपको सोनी का नाम बताया था कि सोनी 3 साल पहले गुजर चुकी थी कैंसर से ही, जो अनीता जी की बहुत ही करीब की दोस्त थी। तो सोनी का भी उसे अस्तित्व वहाँ पर दिखाई दिया। और अनीता जी यही कहती है कि उनको ये बात पता चली कि जब वो बीमार थी तब सोनी और उसके पिताजी पूरी तरह उसके साथ थे, और उनको मतलब कहते ना ये सारी बातें हमें आकलन होता है उन सारी चीज़ों का। आप समझ गए, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ने आपको बताया, लेकिन इन सारी चीज़ों का आपको डायरेक्टली पता चलता है। तो वैसा ही हुआ नतीजे के साथ। और वो ये कहती है कि मुझे सोनी का और अपने पिताजी का पूरी तरह से अस्तित्व का समझ आई कि वो हमारे साथ मेरे साथ हमेशा थे। अनीता जी यही कह रही है कि वो मतलब सारी चारों दिशाओं को एक ही वक्त देख सकती थी। और सबसे बड़ी बात मुझे अब ये कहनी है, और अनीता जी ने आगे यही बात बताई है कि क्या होता है कि हम जब दुनिया में आते हैं तब हमारी संस्कृति, हमारे वंश, या फिर हमारी जो चाली रीति है, या फिर कुटुंब की चाल रीति, या फिर बिरादरी वगैरह, इन सारी चीज़ों को हम बहुत ही ज़्यादा अहम देते हैं, मान देते हैं या फिर महत्व देते हैं। लेकिन अनीता जी ने एक कहते हैं ना कि एक बात यहाँ पे कही है जो शायद लोगों को अच्छी भी ना लगे, मुझे लगता है लग सकती है। तो उन्होंने यही कहा है कि जो सच्चा प्यार है वही सबसे बड़ी आस्था है भगवान के ऊपर, या फिर सच्चा जो प्यार है वही हमारा असली का मतलब भक्ति है, ना ही कि मतलब हम भगवान के लिए जो भी चीज़ें करते हैं। मैं बहुत बार देखता हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी है, ये करना होगा, नहीं तो मतलब भगवान को ये चीज़ चाहिए, तो इस तरह से नहीं उन्होंने कहा है। कि उन्होंने सबसे बड़ी चीज़ एक ही कही है, वो है निस्वार्थ प्रेम। मतलब हम दूसरे के मतलब दूसरे को हम कुछ भी ना चाहकर अगर उसके लिए कुछ करने की कोशिश करें तो वही सबसे बड़ी बात है, ऐसा अनीता जी कहती है। तो उसके बाद अनीता जी ये कहती है कि हर एक इंसान एक दूसरे से जुड़ा है। मैंने बहुत बार आपसे मतलब जब वीडियो ख़त्म होती है मेरी तो मैं आपसे सच कहता हूँ कि मुझे बहुत बार मतलब क्या कहूँ समझ में नहीं आता, तो मैं यही कहता हूँ कि अगली बार हम मिलेंगे। तो अब बहुत बार मैंने ऐसा भी कहा है आपसे कि मैं अभी हम आपके साथ हैं, मतलब हम सब आपके साथ हैं, तो हम कौन है वो? तो बहुत लोगों को यही लगेगा कि मैं ऐसा क्यों बोलता, क्योंकि ऐसे कोई बोलता नहीं कि हम आपके साथ है। तो मैं आपका यही कहूँगा कि वो क्यों है। और अनीता जी भी यही कहती है कि हम सब, हम जो लोग हैं मतलब पृथ्वी पर जो लोग हैं, वो हम सब एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, मतलब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो सिर्फ हम पृथ्वी के लोग ही नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि जो प्राणी हैं या फिर जो जानवर है या फिर जो पेड़ पौधे, वो भी हम सब एक ही दूसरे से मिले हैं। क्यों मैं आपको बोल रहा हूँ ये समझो कि जिस महाशक्ति ने हमें निर्माण किया उसी ने ये सारी चीज़ें निर्माण की है। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी दूसरी चीज़ ने निर्माण की है। तो इसका मतलब यही हुआ कि हम एक ही पिता के संतान हैं और हमें सबसे मतलब प्यार से ही रहने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे पता है कि आजकल जो चीज़ मतलब दिखाई दे रही है उसमें ये बहुत ही कठिन होगा, क्योंकि हम रोज़ के जीवन में भी हमारे साथ कुछ ऐसे अनुभव आते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि हम सभी से प्यार से बर्ताव करें, लेकिन जितना आपसे हो सके उतना आपसे हो। आगे यही कहती है मुरजानी जी कि उसके पिताजी उसको फिर से दिखाई दिए, और उन्होंने यही मतलब क्या होता है कि हम अगर ठीक से संभाल नहीं पा रहे या फिर नई चीज़ में अगर गए नई जगह पे तो हम खुद को मतलब संभालने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त लगता है। तो वैसा ही हुआ अनीता जी के साथ। और ये जो बातें मैंने आपसे कही मतलब पिताजी के मिलने के बाद जो बातें आपसे कही, तो उसमें पिताजी उसके साथ थे लेकिन उन्होंने अपना अस्तित्व नहीं दिखाया था। क्यों? क्योंकि वो इन सारी चीज़ों का महसूस करना चाहती थी। क्यों महसूस करना चाहती थी? क्योंकि वो अभी अभी उन सारी चीज़ों का अनुभव ले रही है इसलिए। तो आगे हमेशा मुरजानी जी यही कहती है कि वो ये कहती है कि उसके पिता ने और मुरजानी जी के पिता ने उससे ये कहा कि पहले अनीता ने कहा कि ये बहुत ही सुंदर जगह है और क्या आप यहीं पे थे पिताजी? तो पिताजी ने एक बहुत ही बड़ी बात कही कि हाँ मैं यहीं पे था, और सिर्फ मैं नहीं तो तुम भी यहीं पे थी। तो ये जो वाक्य है वो हमें बहुत ज़्यादा महत्व देता है। देखिए मैंने इन सारी चीज़ों को बहुत ही करीब से देखा है इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, क्योंकि इस किताब में वो सारी चीज़ें नहीं कही है। लेकिन मैं एक बात आपको बता देता हूँ कि ऐसा उसके पिताजी ने क्यों कहा कि तुम भी हमेशा यही थी, क्यों ऐसा कहा। तो मैंने एक बार आपसे कहा था कि आत्मा का जो एक मतलब कहते हैं ना कि आत्मा का जो अंश है हमारा, उसमें का थोड़ा सा हिस्सा ही यहाँ पृथ्वी पर हमारे आता है, हमारा एक हिस्सा वहाँ पर है। आप समझ गए, मतलब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि समझो मैं इस जीवन में हूँ और मैं अपने माता पिता के साथ आत्मलोक में हूँ, वहाँ मेरे माता पिता मेरे करीब हैं, वह मेरे ही ग्रुप में है, मेरे ही समुदाय में है, और समझो मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मेरे माता पिता असल में कहाँ पे है? पृथ्वी पे। लेकिन उनके आत्मा का एक अंश या फिर एक कण या फिर उसके एक हिस्सा वहाँ पे भी अस्तित्व में है आत्मलोक में। तो ये इसलिए उसके पिताजी ने उससे ये कहा कि मैं ही नहीं
सिर्फ मैं ही नहीं लेकिन तुम भी यहाँ पर ही हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि, तो अब बहुत लोग यही कहेंगे कि फिर अनिता जी के पिताजी वहाँ पे क्यों आए, क्योंकि आत्मलोक में इसका ये एक हिस्सा है। तो इसका मतलब, इसका जवाब ये है कि उसके पिताजी को ये पता है कि जो आत्मलोक, जो पृथ्वी पर है अनिता जी, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता, क्योंकि हमें इन सारी चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। तो इसलिए वो वहाँ पर उसको मदद करने आई। क्यों? क्योंकि वो ना डरे इस सारी चीज़ों को। और अनिता जी ने एक बात कही है कि क्या होता है कि बहुत बार भारत में, आपको पता ही होगा कि बहुत बार जो लड़कियां हैं वो अपने पिता के साथ बहुत ही, मतलब दिल की बातें सारी कहना या फिर जुड़ाव या फिर बॉन्डिंग जिसे कहते हैं, तो उस तरह से जुड़ाव नहीं महसूस कर पाती। क्यों? क्योंकि पिता मतलब कभी कभी मतलब ज़्यादा नहीं बात करते, काम से आते हैं, या फिर वो बहुत बार आपने देखा होगा कि अगर कोई चीज़ की ज़रूरत हो लड़कियों की या फिर लड़कों को छोटे, तो वो अपने माता से कहते हैं, माँ से, और उसके बाद माँ पिताजी से कहते हैं कि इसको ये सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उसके पिताजी उनको लेनी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ों से मुझके आपको यही कहना है कि हम ये सारी बातें कुछ बच्चे नहीं कह पाते पिताजी से। तो अनिता जी यही कहती है कि कैसा ही रिश्ता था उनका और उनके पिताजी का। तो ये रिश्ता उन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि वो कहती है कि मैंने कभी भी अपने दिल की बातें अपने पिताजी से नहीं की, अपनी माता से ही कही है। और बहुत सारी बातें जो मतलब मेरे पिताजी हमेशा उनके अंडर ही मुझे रखते थे, या फिर मुझे बहुत सारी चीज़ों का डर लगता था। तो मैं तो ये नहीं कहता कि वो उन्हें डर कर रखते थे वगैरह, लेकिन मुझे ये लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का मतलब हमें डर लगना लगे, या फिर कोई चीज़ ऐसी हो जाए कि हम दिल में ही उनके लिए डरते रहते, तो ऐसे वक्त में हम उनके साथ खुल के बात नहीं कर सकते। तो शायद अनिता जी के साथ भी यही हुआ होगा। तो उन्होंने यही कहा कि अनिता जी यही कहती है कि मुझे बचपन से उन्होंने मतलब उस तरह से प्यार से वगैरह हम मतलब कभी भी हमने बात नहीं की, लेकिन आज के समय में मतलब अब जो उसे अनुभव हो रहे हैं उसमें उनके पिताजी जो है वो उनके दिल में अनिता जी के लिए कितना प्यार है, ये सारी चीज़ें उसको महसूस हो रही थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक सेशन इसके विचार ही कर रहा था कि इस पर बनाऊँ कि पृथ्वी पे अगर आपके थोड़े बहुत संबंध अच्छे नहीं हो फिर भी हम आत्मलोक में किस तरह से जिए। तो इसके सेशन में हम पूरी तरह से डिटेल में इसी बारे में बात करेंगे, लेकिन अब इस बारे में मैं आपको कह देता हूँ कि क्या है कि उसके दिल में, अनिता जी के पिताजी के दिल में जो अनिता जी के लिए प्यार था या फिर जो भी उनके लिए चीज़ें थी, ये उसको महसूस हो रही थी। और इन सारी चीज़ों से उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि पिताजी उनके बहुत ही मतलब दूर है, वो हम मतलब माता पिता का रिश्ता भी है लेकिन फिर भी वो मेरे से दूर है, ऐसा उसे लग रहा था। लेकिन उसको कुछ भी ऐसा मतलब महसूस नहीं हुआ तब उसे यही लगा कि मेरे पिताजी उससे बहुत ही करीब है। और इसके बाद वो यही कहती है कि उनके साथ बात करने के लिए जब पृथ्वी पर थे, मतलब जब मुरजानी जी खुद छोटी थी अनिता जी, तब वो कहती है कि जब मैं छोटी थी तब उनके साथ बात करने के लिए वगैरह मुझे डर लगता था, या फिर मैं माँ से उनके साथ कोई कहना हो तो माँ से कहती थी पहले, बाद में माँ उनको बताती थी। लेकिन अनिता जी ये कहती है कि आज मुझे उनसे अपने दिल की कुछ भी बात करने के लिए ज़रा भी डर नहीं लग रहा था, मैं पूरी तरह से मुक्त थी। और वो भी मतलब मेरे ऐसा भी नहीं है कि मैं कुछ भी बोलूँ और वो कुछ नहीं करेंगे, उनके भी दिल में बहुत ही प्यार था। मैंने बहुत बार आपसे कहा है और अभी कहता हूँ कि जो आत्मा होती है वो बहुत ही अलग तरह से विचार करती है, उसको डर का मतलब एक अंश भी नहीं होता। मुझे पता है कि पृथ्वी पर हम बहुत सारा चीज़ें से डरते हैं, छोटी चीज़ों से हम डरते हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं होता। वहाँ पे हम पूरी तरह से मुक्त खुद को महसूस करते हैं, और इसलिए ज़्यादा डरने की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। और मुरजानी जी यही कहती है हमसे कि वो ज़रा भी नहीं डर रही थी अपने पिता से बात करने के लिए, और पिता भी उसको साथ बहुत ही प्यार से बात कर रहे थे। अब पिताजी उससे क्या कहते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसके बाद अनिता जी ये कहती है कि पिताजी ने उनसे कहा कि तुम्हारा जाने का वक्त नहीं आया है, तुम्हें फिर से पृथ्वी पर लौटना होगा। लेकिन ये बात सुनकर अनिता जी को सच कहूँ तो अच्छा लगना चाहिए था, क्योंकि पृथ्वी पर उसकी माँ थी, उसके पति थे, उसका भाई था। लेकिन अनिता जी यही कहती है कि उसको ज़रा भी अच्छा नहीं लगा ये बात सुनकर, और उसने उनसे ये कहा कि मुझे इसी चीज़ यहाँ पर रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सुख है, यहाँ पे मैं पूरी तरह मुक्त हूँ। और अनिता जी ने एक बात कही जो बहुत बार लोग कहेंगे जो दूसरे की मतलब कदर करते हैं, तो अनिता जी ने यही कहा कि मैंने अपने जीवन में मतलब हाल ही के जीवन में जो एक दो साल में मैं बीमार थी, तो उसमें मैंने बहुत लोगों को कष्ट दिया है, मेरे पति को या फिर मेरी माँ को, जिनको मतलब देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा कि उनको मेरी वजह से कष्ट हो रहा है। तो वो यही कह रही है कि मैं इन सारी चीज़ों से मुक्त होना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि उनको मेरी वजह से बहुत कष्ट हो गए और वो बहुत ही दुखी हुए मेरी वजह से। लेकिन उसके पिताजी ने फिर से उसे एक बात कही, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या बात कही। लेकिन इसके बाद अनिता जी को खुद को निर्णय लेना था, और उन्होंने और उसके पिता ने उसको ये कहा कि तुम्हें निर्णय लेना है। और इसके वजह से, और उसके पिता भी उनसे ये कहते हैं कि देखो तुम्हें निर्णय लेना है, तुम्हें जो डिसीजन लेना है वो तुम्हें डिसीजन लेना है। और उसके लिए उन्होंने एक काल्पनिक रेशा कही, और
रेशा का एक अनुभव किया, मतलब एक जिसे कहते हैं ना कि लक्ष्मण रेशा जिसे हम कहते हैं, कि एक रेशा जिसके पार में उन्होंने कहा कि उसके पार मैं तुम्हें नहीं ला सकता अब इस वक्त में, आपको निर्णय लेना है कि आप क्या करना चाहते हो। अगर आप पृथ्वी पर जाना चाहते हो तो इस रेशा के आगे नहीं आ सकते, और अगर तुम्हें आत्मलोक में ही आना है और पृथ्वी पर दुनिया से जाना ही है तो तुम इस रेशा के बाहर आ सकते हो, और उसके बाद इन सारी चीज़ों का मतलब आत्मलोक की सारी चीज़ों को मैं आपको बयां करने की कोशिश करूँगा, ऐसा उसके पिताजी ने उससे कहा। इसके बाद अनिता जी एक महत्वपूर्ण बात यह कहती है कि उस दुनिया में उसने, मैं सचमुच आपसे 10 बार कहता हूँ कि ये बात आप ज़रूर जान ले कि उस दुनिया में वेदना, दुख, अहंकार या फिर झूठापन किसे कहते हैं, या फिर पृथ्वी पे जो झूठापन आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ खुद के फ़ायदे के लिए कोई दूसरा बेचता रहता है, अब जाने तो उसको भी क्या बुरा बोले, उनका भी पेट है, इस तरह से हम सोचते हैं, मतलब उनको बेचने मतलब उनको सिर्फ पैसे के लिए करना पड़ता है इन सारी चीज़ों को, तो इसे हम कहते हैं कि झूठापन, मतलब दिल से ये सारी चीज़ें नहीं चाहते कि लोगों का भला हो। तो ऐसे जो झूठापन है या फिर दुख है, वेदना है जो हमेशा ही हमें होती रहती है, या फिर अहंकार, इन सारी चीज़ों का वहाँ पे लवलेश मात्र भी नहीं था, मतलब उन सारी चीज़ों वहाँ पे नहीं थी। तो इसलिए अनिता जी यही कहती है कि मुझे वहीं पर रहना था, क्योंकि वो सच का जीवन के या फिर एक अच्छे लोग जहाँ पे रहना पसंद करेंगी, क्योंकि पृथ्वी में बहुत ही ज़्यादा, मैंने बहुत बार कहा कि नाइंसाफ़ी है, तो ऐसे वक्त में बहुत अच्छे लोग यहाँ पे नहीं पसंद करते रहना। लेकिन इसके बाद एक बिजली जैसी गिरती है वैसा अनिता जी के साथ हुआ, तो उन्होंने बिजली गिरते मतलब कुछ बुरा नहीं हुआ, लेकिन उसे एक अचानक से समझ आई कि सच में कुछ है, तो वो है शुद्ध प्रेम, मतलब निस्वार्थ प्रेम जिसे कहते हैं ना हम, जिसे हम क्या कहें, अब माँ जो बेटे को करती है उसे मैं निस्वार्थ प्रेम कह सकता हूँ, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा प्यार, मतलब प्यार भी आज नकली होते हुए दिखाई दे रहा है। तो माँ जो अपने बेटे से करती है वैसा ही प्रेम हमें दुनिया से करने की ज़रूरत है, या फिर किसी से भी करने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके काम करें या फिर वो हमारे साथ कुछ भी बर्ताव करें, हम उनसे प्यार दे क्या, प्यार ही उनसे मतलब अच्छा ही बर्ताव, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन हमारे दिल में, मतलब मैंने बहुत बार कहा है कि नकाब कहें कि नहीं जीना चाहिए, जो असली है वो दिखाओ, और उसके बाद जो भी हम असली है उसमें परिवर्तन लाने की कोशिश करो, क्योंकि जो सच है वो शुद्ध प्रेम है। ये कौन कह रहा है, अनिता जी कह रही है, और ये कब कह रही है, जहाँ पे उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस, बहुत ही मौत को उनको जब उन्होंने बहुत ही करीब से देखा था तब वो कहती है, और उसके बाद वो मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि ये सच है जो उन्होंने कहा है, क्योंकि इन सारी चीज़ों का उन्होंने अनुभव किया है। आप मतलब मेरी बात को झूठा कह सकते हैं, लेकिन उनकी बात को तो सच कही है, और उस तरह से जीने की कोशिश कीजिए। और उसके बाद उसके पिताजी ने उसे एक चीज़ कहने की कोशिश की है, और वो कहती है, मतलब जो उसके पिताजी है वो उसे ये कह रहे हैं कि तुम बेखौफ होकर जियो आगे की ज़िंदगी, और तुम जब पृथ्वी पर जाओगी तब तुम्हारी हालत धीरे धीरे सुधरने लगेगी, और तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी, ना सिर्फ ठीक हो जाओगी बल्कि तुम्हारे हाथों से तुम कुछ अच्छा काम करने की कोशिश करो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो उसके पिताजी ने कही। और उसके बाद अनिता जी ये कहती है कि उसके बाद मुझे ज़रा भी संदेह नहीं हुआ कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मुरजानी जी को फिर से आने का निर्णय उसको उन्हीं को लेना था या फिर उनके दिमाग में आना था, मुझे तो ये लगता है, मुझे खुद को लगता है कि जो शक्ति है पिताजी या फिर उनकी सोनी जो मैत्री सहेली है, तो उनकी यही इच्छा थी कि मुरजानी जी ये सारे अनुभव करके फिर से पृथ्वी पर जाए और एक अच्छा कोई काम करे। तो मुरजानी जी को जब यहाँ पे आई थी तब उसे कैंसर होना हुआ था, तो एक तो बात तय थी कि वो अगर पृथ्वी पर जाएगी तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, कैंसर से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगी, लेकिन उनका भी इच्छा यही थी कि वो ठीक हो, वो पृथ्वी पर फिर से जाए। अब आप ये भी सोचते हैं तो सोच सकते हैं कि उसी एनडी का ऐसा अनुभव क्यों हुआ, क्योंकि कोमा में बहुत लोग जाते हैं लेकिन ऐसा अनुभव किसे हुआ है, तो मुझे लगता है कि 100% में से 5% लोगों को ऐसा अनुभव होते हैं, बहुत ही कम लोगों को होते, तो ऐसा अनुभव क्यों होते, तो इसका जवाब हमें मिलता है जीवात्मा जगत के नियम में। उसमें एक बात यह कही गई है कि बहुत बार एनडीई का या फिर हम शरीर को छोड़कर उस दुनिया में जाने के अनुभव जो होते हैं, तो बहुत बार इसलिए होते हैं क्योंकि दुनिया में लोगों की आस्था बढ़े भगवान से, और अगर ऐसे लोग 100 भी लोगों को अगर कहे उनके साथ क्या हुआ है, तो 100 में से अगर 50 लोगों ने भी ऊपर उनके ऊपर जरूर अगर भरोसा किया तो ये बहुत ही बड़ी बात हुई उनके लिए। तो ये बहुत ही इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोगों को सच्चाई का पता चले। तो मुझे यही लगता है कि ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचने के लिए उसके पिताजी और सोनी ने प्रयत्न किए थे, क्योंकि लोगों को असली जो
जीवन है उसके बारे में पता चले आत्मलोक के जीवन का। और वो यही कहती है कि जब ये सारे वाक्या हो रहा था तब अनीता जी को जब वो ठीक हो गई उसके बाद उसको ये पता चला कि जब ये वाक्या हो रहा था तब उसकी दोस्त जिसका नाम लिंडा, उसने कहा है कि लिंडा चर्च में जाके पादरी से उन्होंने बहुत बार बात की कि मेरी दोस्त की तबीयत बुरी ख़राब है, इसलिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। तो अनीता जी के फ्रेंड, लिंडा के फ्रेंड और कुछ लोग जो अच्छा मतलब दुनिया के अच्छे लोग जो होते हैं ना, मैं ऐसा नहीं कहता कि भारत में भी सचमुच मतलब बहुत बार मैंने देखा है कि कुछ बुरा हो, किसी का एक्सीडेंट हो तो बहुत लोग मतलब भागते हैं, उन्हें खुद के खर्चे से अस्पताल ले जाते हैं, बहुत बार तो अस्पताल का भी खर्चा खुद करते हैं। तो ये ऐसे बहुत ही अच्छे लोग, अब समाज में वो कितना अच्छे होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो बहुत ही बढ़िया काम जो करते हैं ना, तो ऐसे लोग वहाँ पे चर्च में अनीता जी के लिए प्रार्थना कर रहे थे। मैं ऐसे लोगों की सचमुच मतलब हाथ जोड़कर उनके मतलब क्या भूलूँ मैं, आप सच में मतलब बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और ऐसी दुनिया में आप अच्छे काम करते रहिए और हम भी मतलब सब मिलकर भी जितना हमें हो सके उतना दुनिया के लिए करना चाहिए। तो अनीता यही कहती है कि वो प्रार्थना कर रही थी एक जगह पे, उनकी माँ भी मंदिर में जाकर प्रार्थना कर रही थी, मतलब बहुत लोग उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे इसी वक्त। और अनीता जी ने यही कहा कि अब मेरे सामने दो ऑप्शन थे, एक तो मैं वापस लौटूँ या फिर आत्मलोक में चली जाऊँ, मतलब इस दुनिया से हमेशा के लिए मौत को गले लगा लूँ। तो इसका दूसरा अर्थ ऐसा ही हुआ कि मौत को गले लगाना। तो अनीता जी यही कहती है कि क्या हुआ उसके बाद, अगर मैं ये निर्णय लेती या अगर ये मैं डिसीजन लेती कि मैं इस दुनिया से चली जाऊँ मतलब मर जाऊँ, तो रिपोर्ट अलग होती कि वो मतलब किसी वजह से उसकी मौत हो गई, और अगर वो फिर से आती है तो उसको रिपोर्ट अलग होगी कि वो ठीक हो गई। मतलब आप समझ सकते हैं कि उसने ये कहा है कि आपके डिसीजन पर, आपके आत्मा के डिसीजन पर रिपोर्ट लिखी जाएगी, ना कि किसी भी साइंटिफिक रीज़न की वजह से या फिर जो भी मतलब इलाज होते उसके हिसाब से। तो इसका मतलब ये तो ये भी नहीं हुआ कि इलाज को कोई महत्व नहीं है, मैं इसे जरा भी नहीं कहता और अनीता जी भी नहीं कहती, इलाज का एक महत्व अपना महत्व है, लेकिन फिर भी हमारे आत्मा का जो डिसीजन है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अनीता जी ने यही डिसीजन लिया कि वो पृथ्वी पर जाएंगी और अपना कार्य करेगी। तो उसका कार्य क्या है, तो मैं आपको जो बता रहा हूँ वही उसका कार्य है। मुझे तो यही लगता है कि बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि अनीता जी ने बहुत मतलब तकरीबन मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया वो घूमी है इन सारी चीज़ों को कहने के लिए, अपने अनुभव कहने के लिए। अब मुझे मेरे ख्याल से उन्होंने तकरीबन, मैं कम से कम कह रहा हूँ उससे ज़्यादा हो सकते हैं, तकरीबन एक 20-30 लाख लोगों तक तो उसकी किताब पहुँच गई है, उन लोगों ने उतनी पढ़ी है, या फिर जिन्होंने किताब नहीं पढ़ी उन्होंने यूट्यूब पे उनके स्पीच वगैरह भी वो देती है तो वो भी सुने होंगे। तो ऐसे मतलब कह के अगर हम कह सकते हैं कि 20-30 लाख लोगों को तक वो पहुँची और अपने अनुभव उन्होंने उससे कहे, तो उनको उन लोगों को भी यही मतलब सच्चाई की आकलन होगा कि वो किस तरह से उसको अनुभव है और हम भी उस दुनिया के ही एक इंसान है या फिर उसी दुनिया के एक अंश है। तो वो यही के सोचेंगे कि हाँ ये सच है या फिर इस तरह से जीवन चलता है, तो वो नहीं डरेंगे मौत से या फिर इस ज़िंदगी से भी नहीं डरेंगे। तो मुझे लगता है कि वो ये सर जो सारी चीज़ें हैं वो उसके साथ हुई। और उसके बाद अनीता जी कहती है कि उस दिन ही शाम को 4 बजे उसकी आँख खुली और उसे मतलब जब वो फिर से मतलब होश में आई तब उसे उसके करीब बहुत ही लोग थे और उन्होंने अनीता जी ने सारी बातें मतलब जो जब वो बेहोश थी या कोमा में थी तब उसके साथ जो भी घट रहा था या फिर डॉक्टर या फिर नर्सेस जो भी प्रयत्न कर रहे थे उसको बचाने के लिए वो सारी चीज़ें उन्होंने कही। डॉक्टरों को तो पहले लगा कि वो झूठ बोल रही है, लेकिन जब सिलसिलेवार उन्होंने कहने की कही कहा कि मेरे साथ आपने इस तरह से आप प्रयत्न कर रहे थे, आप कोशिश कर रहे थे मुझे बचाने के लिए, तो उनको भी यकीन आया कि ये सच कह रही है। उसके बाद अनूप को भी उन्होंने कही, जब वो वहाँ पे हांगकांग में आया तब उनसे भी कहा कि तुम मतलब बहुत ही परेशान थे आने के लिए, तब आते समय तुम्हारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो वो भी मतलब पूरी तरह से आश्चर्यचकित रहा कि इसे ये सारी चीज़ें कैसे पता चली। और उसने बहुत सारी चीज़ें की और अनीता जी ने यही हम सबको यही वो मैसेज देती है कि आप ज़िंदगी में कभी भी मत डरिए, कभी भी खुद को कम ना समझिए और कभी भी किसी अपने का जाने का दुख ना करिए, क्योंकि वो हमेशा आपके साथ है। तो जो माता जी मेरी ये मतलब वीडियोस देखते हैं या फिर जो अंकल जी है जिनका बेटा इस दुनिया में नहीं है, तो मैं उनसे यही कहूँगा, मैं सच कहता हूँ कि आपका बेटा हमेशा आपके साथ है, ऐसा नहीं है कि वो हमें दिख नहीं रहा इसलिए वो आपके साथ नहीं है, मैं सच कहता हूँ आपको प्यार दे रहा है वो, आप खुश है तो वो भी खुश है, अगर आप निस्वार्थ तरीके से कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको जितनी खुशी नहीं होगी उतनी उससे होगी, इसलिए आप अपने हिसाब से जो भी कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं सच कहता हूँ आपसे जितना हो सके उतना करिए, आप मतलब खुद का कुछ
मतलब कहते हैं ना, कम करके कुछ ले ले, कुछ मत करिए, क्योंकि अपनी ज़िंदगी भी जीना बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जितना हो सके आप चलते चलते जितना हो सकता है अपनी ज़िंदगी से में करिए, और हमेशा एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए एक अच्छे विचार रखिए कि हमारे बेटा हमेशा हमारे साथ है। क्योंकि आप दुखी मत रहिए, आपका बेटा इसीलिए दुखी ज़्यादा होता है क्योंकि आप उसका दुख करते हैं। मैंने बहुत बार कहा है। तो अनीता जी की ये जो किताब है वो हमें बहुत ज़्यादा सीख देती है। अगर आपको पूरी तरह डिटेल आपको ये जाननी है ये सारी चीज़ें, क्योंकि मैंने ज़्यादा जो मतलब कहते हैं ना कि ज़्यादा जो सबसे महत्व दिया है इस चीज़ में जो आपसे कही है, उसमें एनडी का जो अनुभव हुआ है उस पर दी है, ना कि उन्होंने। अगर आप किताब अगर वो देखेंगे तो बहुत ही मतलब किताब अगर समझो 200 पेजेस की है, तो उसमें तो मुझे लगता है कि 20 से 25 ही पेजेस सिर्फ एनडी के हैं। मुझे लगता है 20 भी नहीं है, 15 सब समझ सकते हैं, 15 सिर्फ पेजेस, 15 जो पेज है वो सिर्फ एनडी का जो अनुभव है उस पर उन्होंने कहे। बाकी सारी चीज़ें उन्होंने, मैं जब बीमार थी तब मेरे साथ क्या हुआ, या फिर मैं बीमार होकर जब ठीक हुई उसके बाद मैंने दुनिया में मतलब लोगों से किस तरह से बातें की, तो इस पर दिया है। लेकिन वो सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताई, क्योंकि मुझे लगता है कि एनडी का जो अनुभव था वही मेरे हमारे लिए महत्व होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमें नहीं पता। और वो अपने जीवन में जो भी कार्य करती है तो उसके बारे में आपको अगर और भी जानना हो तो आप ज़रूर किताब पढ़िए। लेकिन इन सारी चीज़ों का कहते हैं ना कि कंक्लूजन यही निकल के आता है कि हम जीवन में कभी भी ना डरे। हमारे पास, मैंने पहले भी कहा था कि बहुत लोग यह सोचते हैं कि वक्त चला गया या फिर अब वक्त नहीं है। मैं सच कहता हूँ कि आपके पास अनलिमिटेड वक्त है, मतलब जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा ऐसा वक्त है। लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर स्थितप्रज्ञ बन के जीवन जिए तो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, जिससे क्या होगा कि बहुत वक्त आपका बच जाएगा, बहुत ही जन्म आपके बच जाएंगे, और एक मतलब मोक्ष के जल्दी से जल्दी आप काबिल हो जाएंगे, और उस तरह से आपको जीवन में फिर से यही पृथ्वी में आने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आए भी तो भी संतों की जैसे आप आएंगे और दुनिया का कुछ अच्छा करके चले जाएंगे। तो ये जीवन जो होता है संतों का वो असल में मायने रखता है, अगर दुनिया के लिए अगर देखा जाए तो। हम जो आते हैं वो सिर्फ अपना कर्म, कहते हैं ना कि कर्म देने के लिए, कर्म करने के लिए ही आते हैं और आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से हम जल्दी अपना कर्म करके एक अच्छा मतलब कर्म करके एक अच्छा पोजीशन पर जाए मोक्ष के, और उस तरह से हम जिए। आपके कोई भी सवाल हो इस सारी चीज़ों के ऊपर तो आप ज़रूर मुझे पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा उसका आंसर देना। और हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।